आपने पहली पोर्न कौन सी देखी थी? मैं एक स्लीप ओवर में थी, 3 बजे कुछ स्पेशल सामने आया। अच्छा लगा, तू औरतें भी कर सकती है? महिला को गैंग बैंग कर रहे, कुछ भी पोर्न हो सकता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में जिसके बारे में आप जानते तो होंगे लेकिन आपको डिटेल में कुछ पता नहीं होगा। जैसे सोशल मीडिया कैसे हमें अपना गुलाम बना रही है, पॉर्न स्टार की लाइफ कैसी होती है और कई चीजें जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 5 पे थी आफ्टर पॉर्न एंड्स, जो आई थी 2012 में, जिसकी रेटिंग है 5.7 की। इसकी कहानी इसके नाम की तरह है, जैसे पॉर्न स्टार जो एडल्ट फिल्मों में काम करते हैं वो उनको छोड़ने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है, वो कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं, उसी के बारे में इसमें दिखाया गया। क्या आपको पता है जिस साइट को आपने कई बार इस्तेमाल किया है उसको किसने बनाया और अपनी इंडस्ट्री में वो इतनी बड़ी कैसे हुई? नंबर 4 पे थी मनी शॉट दी पॉर्नहब स्टोरी, जो आई थी 2023 में, जिसकी रेटिंग 5.3 की। कहानी है दुनिया के सबसे पॉपुलर एडल्ट साइट के बारे में जिसका नाम है पॉर्नहब। कैसे ये साइट कुछ लोगों के लिए मनोरंजन और कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बनी और कैसे ये इतनी बड़ी हुई, वो सारी बातें आपको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी। नंबर 3 पे थे 100 ह्यूमंस, जो आई थी 2020 में, जिसकी रेटिंग 5.8 की। कहानी है 100 लोग के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में और उनके कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में। वैसे ये एक सीरीज है जो काफ़ी अच्छी है। क्या आपको एडल्ट फिल्मों के कुछ डार्क साइड के बारे में पता है? अगर नहीं तो ये आपके लिए। नंबर 2 पे थी हॉट गर्ल्स वांटेड, जो आई थी 2015 में, जिसके रेटिंग 6.1 की। ये उनकी कहानी है जो पैसे के लिए एडल्ट फिल्मों में काम करती है, उनको उसमें मजा आता है या नहीं और उनको कितने पैसे मिलते हैं, इस जॉब के डार्क साइड क्या है, वो सब कुछ आपको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी। So weird, but that's my job. हम सभी ज्यादातर ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सभी चीजों के एडिक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको एक ऐसे नशे के बारे में पता है जो हम सभी के दिमाग को कमजोर बना रहा है? नंबर 1 पे थी सोशल डिलेमा, जो आई थी 2020 में, जिसके रेटिंग है 7.6 के। ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है सोशल मीडिया के खतरनाक इम्पैक्ट के ऊपर, कैसे आजकल सोशल मीडिया हमें अपना गुलाम बना रही है, कैसे हम एक पल भी अपने फोन के बिना नहीं रह पा रहे हैं, किस तरह ये हम पे हावी हो रहा है। डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अच्छी है जिसे देखकर शायद आप सोशल मीडिया चलाना थोड़ा कम कर। वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो मन करे आप करिए, लेकिन आप अपनी फेवरेट मूवी नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।